साइलेंस साइलेंस अम्मा साइलेंस। ठीक है, चलिए आइए ध्यान देते हैं। अभी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कमीशन। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइज बिफोर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइज बिफोर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कंसाइनमेंट, पेज नंबर 9.10, वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइज बिफोर एग्जाम। आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ कमीशन। वन इज ऑर्डिनरी कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन एंड डेलीग्रेटरी कमीशन। ओके डियर फ्रेंड्स, कमीशन कैन बी ऑफ बाय एंड लार्ज टू टाइप्स। कमीशन कैन बी बाय एंड लार्ज ऑफ टू टाइप्स। वन इज पर यूनिट बेस्ड, पर यूनिट बेस्ड मतलब ऐसा बोलेंगे कि 100 रुपीज पर यूनिट, 100 रुपीज पर यूनिट, सिंपल, एकदम सिंपल, जितना माल बेचा है उस पर कमीशन। ठीक है, दूसरा कमीशन इज ऑन द परसेंटेज बेसिस, इसमें एलजेब्रा इन्वॉल्व होता है थोड़ा सा, ऑन परसेंटेज बेसिस। इन पर यूनिट बेस्ड, डियर फ्रेंड ऑलवेज रिमेंबर, सपोज इफ आई सेंड 10,000 यूनिट्स, सपोज इफ आई सेंड 10,000 यूनिट्स, आई शुड नॉट कैलकुलेट द कमीशन ऑन द यूनिट सेंट, आई शुड कैलकुलेट द कमीशन ऑन यूनिट सोल्ड, बिकॉज कमीशन वुड बी गिवन टू एन एजेंट ऑन द यूनिट्स सोल्ड, नॉट ऑन द यूनिट्स सेंट। सो वन थिंग शुड बी क्लियर कि जितना सेल हुआ उस पर ही कमीशन मिलेगा। एम आई कम्युनिकेटिंग? सो ऑर्डिनरी कमीशन इज वेरी सिंपल कंसेप्ट एज सच। ऑर्डिनरी कमीशन बाय एंड लार्ज विल बी गिवन टू यू, इतना सेल हुआ है, सेल का एक परसेंटेज आपको कमीशन मिल जाएगा, ऑर्डिनरी कमीशन। एम आई कम्युनिकेटिंग? लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर फोर्थ और हम धीरे धीरे एक एक वैरायटी को देखेंगे। देयर आर अराउंड हाउ मेनी केसेस? 7 केसेस, 7 केसेस हम इसमें देखेंगे। आइए पढ़ते हैं। मिस्टर एक्स सेंट 250 यूनिट्स कॉस्टिंग ₹10,000 ईच, अंडरलाइन द वर्ड कॉस्टिंग। लोग येड़ा बोलते हैं आपको, अगर जितने में बाय किया अगर उतने में ही सेल किया तो ठीक है। बेटा आप किसी और के साथ बैठ जाओ ना। हाँ। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास अभी टेक्स्ट बुक नहीं है, मतलब एक भी टेक्स्ट बुक नहीं है डेस्क पर? सभी के पास है। ओके चलो बेटा, लोग येड़ा बोलते हैं अगर आपको, आप अगर ऐसी बातें करोगे बहकी बहकी, सर मैंने 10,000 में एक यूनिट को बाय किया और 10,000 यूनिट में बेचूंगा, लोग येड़ा बोलते हैं, पत्थर मारते हैं। क्यों? अरे भाई 10,000 में खरीदा है तो 10,000 में क्यों बेचेगा, ज्यादा में बेचेगा ना। तो यहां पर वर्ड कॉस्टिंग का इंपैक्ट यह है कि इट विल नॉट बी सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस, इट वुड बी सोल्ड एट अ हायर प्राइस। एम आई कम्युनिकेटिंग? यस डियर फ्रेंड्स, रीड फर्दर। द गुड्स वर टू बी सोल्ड सो एज टू यील्ड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। हाईलाइट द वर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। ये सदियों से आपको तंग करते आया है कि सर क्या बोलते हैं कुछ समझ भी नहीं आते, 20% ऑन सेल्स, कभी 20% ऑन कॉस्ट, राइट? अरे यार ये कहां गया मेरा, अरे कैलकुलेटर कौन उठाता है यार नाला, यहां से कैलकुलेटर किसने उठाया? चलो एक कैलकुलेटर दो मुझे, कहां पे, वहां पे एक कैलकुलेटर भेजो यार, किसी के पास एक्स्ट्रा होगा तो है, एक्स्ट्रा किसी के पास एक्स्ट्रा होगा तो, हाँ है, मिल गया, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है, हाँ होगा तो भिजवा दो, सिटीजन का भेजना मुझे, सिटीजन मतलब ऐसा वाला। हाँ चलो आगे बढ़ते, 20% ऑन सेल्स। मिस्टर वाई सोल्ड 150 यूनिट्स एट 14,200 पर यूनिट ऑन क्रेडिट एंड 75 यूनिट एट 14,000 फॉर कैश। कैलकुलेट द कमीशन ड्यू टू मिस्टर वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। सो पहले हम थोड़ा सा प्रॉब्लम को यहीं पर डिकोड कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा चलेगा, बट लेट्स डिकोड इट प्रॉपरली। लिसन टू मी केयरफुली, जो आपको परसेंटेज समझ में नहीं आए तो मैं आपको क्या बोलता हूं कि जिस चीज का परसेंटेज आपको दिया जाए उसको 100 पकड़ो,
जैसे कितना परसेंटेज प्रॉफिट होना चाहिए बता रहे, 20% ऑन सेल्स। सो बेटा किसको 100 पकड़ेंगे आप? सेल्स को। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, जिसका परसेंटेज दिया जाए उसको 100 पकड़ लो। इफ दे से 20% ऑन सेल्स, अज्यूम सेल्स एज 100। इफ दे से 20% ऑन कॉस्ट, अज्यूम कॉस्ट एज 100। एम आई कम्युनिकेटिंग? जिसका परसेंटेज दिया गया हो उसको 100 पकड़ो। और इक्वेशन एकदम सिंपल है, सी प्लस पी इज इक्वल टू एस पी, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सो अभी 100 किसको पकड़ना है बेटा? सेल्स को। क्यों? क्योंकि किसका परसेंटेज दिया है? सेल्स का। अब सेल्स पर 20% प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ बेटा? 20। कॉस्ट कितनी हुई बेटा जी? 80। एम आई कम्युनिकेटिंग? ये इक्वेशन पहले बना लो, जिसका परसेंटेज दिया है वो 100। अब बेटा मुझे बताओ आपको दिया हुआ क्या है? आपको दिया हुआ है बेटा कॉस्ट। देखो क्वेश्चन पढ़ो, मिस्टर एक्स एंड 250 यूनिट कॉस्टिंग रुपीज 10,000 ईच। तो आपको कॉस्टिंग वर्ड दिया है, तो आपको क्या दिया हुआ? व्हाट हैव दे गिवन यू? दे हैव गिवन यू कॉस्ट। सो माय डियर फ्रेंड, आई विल राइट डाउन कॉस्ट हियर 10,000, एंड टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस आई विल राइट डाउन एक्स हियर। एम आई कम्युनिकेटिंग? अब क्रॉस मल्टीप्लाई, सो कितना आंसर आएगा? 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 80, कितना आएगा? 12,000। तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए? 12,500। अरे समझ रहे हो ना? सो मैंने क्या किया, वापिस से एक बार इक्वेशन के बारे में ध्यान से समझ लो। ये आपको फाइनल अकाउंट में यूज होने वाली है, इन्वेंट्री में यूज होने वाली है, कंसाइनमेंट में यूज होने वाली है। 100% जिसका परसेंटेज दिया उसको बिंदास होकर 100 पकड़ो। सो कई बार कैसे होगा, कॉस्ट का परसेंटेज दिया जाएगा, 25% ऑन कॉस्ट। सो व्हाट यू शुड डू, सी इज इक्वल टू 100, पी इज इक्वल टू 25, सेलिंग प्राइस 125 बन जाएगी। कई बार आपको ऐसे बोलेंगे कि सेल पर 25% है, तो सेल को 100 पकड़ो, प्रॉफिट 25 आएगा, कॉस्ट ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी? 75। आर यू गेटिंग? जिसका परसेंटेज दिया उसको 100 पकड़ो, उसके बेसिस पर प्रॉफिट निकालो, दूसरा वाला फिगर बैलेंसिंग आ जाएगा। अब आपको इसमें क्या दिया हुआ? कॉस्ट दिया, कॉस्ट के नीचे आपने 10,000 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने सेलिंग प्राइस निकाली। तो बेटा अगर नॉर्मली अगर कोई आदमी उसको सेल करने जाता तो कितने में सेल होता बेटा? 12,500 में। ए नलायको, कितने में सेल होता? 12,500। मगर लफड़ा क्या हो गया, सेल कितने में हुआ है? सेल कितने में? प्लीज चेक एंड लेट मी नो, सेल कितने में हुआ है? अच्छा, जो क्रेडिट में बिका है वो कितने में सेल हुआ है? क्रेडिट में बिकने वाला माल कितने में बिका है? 14,200। और जो बेटा कैश में बिका है वो कितने में बिका है? 14,000। समझ में आ रहा है? देखो कौन, हाँ कौन है? हाँ, ओवरराइडिंग कमीशन है, क्योंकि एजेंट स्मार्ट है, स्मार्ट एजेंट। एजेंट को बोला था भाई मेरे को कितना टका 20% चाहिए ऑन सेलिंग प्राइस, तो प्राइस कितनी आनी चाहिए थी? 12,500। मगर भाई साहब ने कितने में बेचा है? कुछ माल 14,200 से और कुछ माल कितने में? 14,000 में। हाँ या ना? हाँ। तो बेटा जी इस केस में आपको ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि नॉर्मल सेलिंग प्राइस के ऊपर बेचा गया है, सो ही इज एलिजिबल फॉर ओवरराइडिंग कमीशन। कल बात किया था ना, स्मार्ट एजेंट जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस के ऊपर बेचता है। तो अभी देखते हैं, ये समझ में आया ना सभी को? चलो आगे बढ़ते। कैलकुलेट द कमीशन ड्यू टू मिस्टर वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। केस वन, मिस्टर वाई वाज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 500 पर यूनिट। कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ इतना बोला है कि हर एक यूनिट सोल्ड पर कितना कमीशन मिलेगा? 500 रुपए। तो बेटा पहला वाला कमीशन तो एकदम सिंपल है, हम कैसे निकालेंगे? कमीशन इज इक्वल टू कितने यूनिट है बेटा जी? हाउ मेनी यूनिट्स आर सोल्ड? सो कैन आई से 150 यूनिट्स प्लस 75, ये यूनिट सोल्ड हुए क्या? इनटू एक पर कमीशन कितना आएगा? एक पर कमीशन 500 पर यूनिट। तो बेटा एक काम करो आप लोग, 150 प्लस 75 इनटू 500 कितना आ रहा बेटा जी? 1,12,500 ये कमीशन आएगा। सो ये कौन से बेस पर कमीशन था बेटा? ऑन पर यूनिट सोल्ड। सर इसमें ओवरराइडिंग कमीशन नहीं है क्या? नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ओवरराइडिंग कमीशन के बारे में कुछ बताया? नहीं, नहीं बताया तो नहीं बताया, तो ये नॉर्मल कमीशन। सेकंड पॉइंट पढ़ो, मिस्टर वाई इज एंटाइटल्ड टू ऑर्डिनरी कमीशन ऑफ 5%
एंड डेल क्रेडिट रेट कमीशन ऑफ 2%। अच्छा आपको लिखना है पहले, तो लिखो पहले, सुनते नहीं हो ना, लाइक पहले बोल देता हूं सिखा देता हूं तो सुनते नहीं हो। ये लो लिखो, केस वन का कमीशन लिख दो 150 प्लस 75 इंटू रुपीज 500, 1,12,500। एम आई कम्युनिकेटिंग? ये कौन सा कमीशन हुआ? केस वन के अंदर कमीशन, और ये ऑर्डिनरी कमीशन है, इसमें ना कोई डेल क्रेडिटरी कमीशन ना कोई ओवरराइडिंग कमीशन। लेट्स गो टू केस बी। मिस्टर वाई इज एंटाइटल टू एन ऑर्डिनरी कमीशन ऑफ 5% एंड डेल क्रेडिटरी कमीशन ऑफ 2%। ओके, अब इसमें परसेंटेज में दिया हुआ है। बेटा अगर कुछ ना कहा जाए आपसे, सो डेल क्रेडिटरी कमीशन ये पूरे टोटल सेल अमाउंट पर मिलता है। अब मुझे आपके चेहरे पर थोड़े से क्वेश्चन मार्क दिखेंगे, सर मगर देखो डेल क्रेडिटरी कमीशन क्यों दिया जाता है? क्योंकि अगर बैड डेट्स हो गया तो रिस्क किसकी है? एजेंट कंसाइनी की है। एम आई कम्युनिकेटिंग? तो सर बैड डेट्स की रिस्क किस पर है? कैश सेल पर है कि क्रेडिट सेल पर है? सिर्फ क्रेडिट सेल पर है। तो सर कमीशन डेल क्रेडिट तो सिर्फ क्रेडिट सेल पर ही मिलना चाहिए ना, ऐसा आपका थिंकिंग हो सकता है। तो सर फिर टोटल कमीशन पर क्यों? बेटा नहीं तो फिर एजेंट विल बी प्रमोटेड, एजेंट विल बी मोटिवेटेड, एजेंट विल फील दैट माई मोर बेनिफिट इज देयर इफ आई सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट। तो फिर एजेंट कैश में भी बिकता रहेगा तो भी उसको बोलेगा चार दिन बाद पैसा दे, क्यों टेंशन ले रहा है, एक काम कर क्रेडिट में ही माल लेकर जा। सामने वाला आदमी भी एकदम खुश, एजेंट का भी रुतबा बढ़ गया। इसीलिए एजेंट को जब डेल क्रेडिटरी कमीशन दिया जाता है वो सिर्फ क्रेडिट सेल पर जनरली नहीं दिया जाता, किस पर दिया जाता है? टोटल सेल्स पर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं तो एजेंट क्या करेगा, कैश सेल कभी करेगा ही नहीं ना। जहां पर कैश सेल की भी गुंजाइश होगी वहां पर भी क्या करेगा? क्रेडिट सेल, बिकॉज ही इज गोइंग टू रिसीव मोर कमीशन। Am I communicating? Hence, my dear friend, Dell Credit Commission, by and large, generally, it should be calculated on total sales. Let us see this way. तो मुझे बताओ कितना कमीशन मिलना चाहिए बेटा जी? आप कितना कमीशन बोल रहे हो? 5% ऑर्डिनरी और 2% Dell Credit. तो देखो पहले मैं सेल निकाल रहा हूं आपके लिए, टोटल सेल निकाल रहा हूं, टोटल सेल। बेटा मुझे बताओ कितने यूनिट सेल हुए क्रेडिट पर 150 यूनिट, 150 इंटू 14,200 सही है, प्लस 75 यूनिट इंटू 14,000। ये देखो क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल, 150 इंटू 14,200 प्लस 75 इंटू 14,000। एम आई कम्युनिकेटिंग? तो बेटा टोटल सेल कितना हो गया? 21,30,000 प्लस 10,50,000, टोटल कितना हो गया? 31,80,000। अब देखो बेटा कमीशन, टोटल कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन प्लस डेल क्रेडिटरी कमीशन, सो बेटा 5% ऑफ 31,80,000 और ध्यान रहे 2% ऑफ 31,80,000। मतलब मैंने डेल क्रेडिटरी कमीशन भी किस पर निकाला? टोटल सेल्स पर, ना कि किस पर, सिर्फ क्रेडिट सेल पर। आगे जाने के बाद में मैं आपको और एक वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम लूंगा, मगर यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि डेल क्रेडिटरी कमीशन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल और सिर्फ क्रेडिट सेल पर नहीं। समझ में आई बात ध्यान में? सो बेटा कितना कमीशन आता है कैलकुलेट करके बताओ, 31,80,000 इंटू 5% एम प्लस और 31,80,000 इंटू 2% एम प्लस मेमोरी रिकवर 2,22,600 राइट। तो ये देखिए आंसर 2,22,600, यू कैन राइट इट फॉर योरसेल्फ। समझ में आ गई बात ध्यान में? हाँ बेटा, शी इज ऑफ द ओपिनियन कि सर ऑर्डिनरी कमीशन के लिए कोई रूल है क्या कि पूरा सेल लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता? यस, ऑर्डिनरी सेल पर तो आपको सोचने की दरकार ही नहीं है, अनलेस एंड अंटिल ओवरराइडिंग कमीशन का कोई क्लॉज हो। ऑर्डिनरी कमीशन विल ऑलवेज बी पेड ऑन टोटल सेल्स। अगले कुछ प्रॉब्लम्स केसेस में मैं आपको बताऊंगा ऑर्डिनरी कमीशन कैसे निकलता है। सो ऑर्डिनरी कमीशन तो बेटा सिंपल एकदम, ऑफ टोटल सेल।
हो गया डन। कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन तुम्हें ना लाइक और ढकल बेटा थोड़ा सा, ये है क्या पिन इन स्केल को आगे पिन लगा और फिर ढकल। चले आगे, अभी रेडी हो आप सब लोग? चलो नन्हे मुन्ने बच्चों रीड केस सी, विल यू प्लीज रीड केस सी। मिस्टर वाई वॉज एंटाइटल्ड टू एन ऑर्डिनरी कमीशन ऑफ 5% एंड डेल क्रेडिट कमीशन ऑफ 2% ऑन एंड ओवरराइडिंग डेल क्रेडिट कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स एंड एन ओवरराइडिंग कमीशन ऑफ 25% ऑन एनी सरप्लस रियलाइज्ड। वहां पर बीच में एक मैंने गैप दिया है, गैप दिख रहा है क्या आपको? उस गैप को थोड़ी सी देर के ऐसे ही रखने दो, उसके बाद में वहां पे मैं एक सेंटेंस लिखाऊंगा आपसे, उस जगह पे एक वर्ड फिट करूंगा। तो वापिस पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन को, कैसे पढ़ना नजाकत से देखो। मिस्टर वाई वॉज एंटाइटल्ड टू एन ऑर्डिनरी कमीशन ऑफ 5% डेल क्रेडिट कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स, 2% ऑफ सेल्स and an overriding commission of 25% on any surplus realized। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, रिक्वेस्ट करूंगा एक बार सुन लो और फिर कर लेना। मान लो कि आपकी सेल प्राइस डिफाइंड है, सेल प्राइस डिफाइंड है 12,500, तो ये यहां तक प्राइस बनती है 12,500, ठीक है। और मान लो कि आपका एक्चुअल सेल होता है 12,500 नहीं, थोड़ा सा ज्यादा, सो कितने में सेल हुआ है? 14,200। लेट्स अज्यूम दैट इट इज बीइंग सोल्ड ऑन व्हाट? 14,200। सो बेटा 12,500 तो ये, और इसके ऊपर सरप्लस कितना है? 1,700। ये एक्सेस सेल हुआ कि नहीं? ये एक्सेस है, ये एक्सेस बोलो, या इसको क्या बोल सकते हो आप? सरप्लस। एम आई कम्युनिकेटिंग एवरीवन? सो यू हैव गॉट सरप्लस, यू हैव गॉट एक्सेस, एंड उसके अंदर आपकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस भी आ गई। बेटा जब ओवरराइडिंग कमीशन दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन डाली जा सकती है, जब ओवरराइडिंग कमीशन दिया जाता है, व्हेन एवर ओवरराइडिंग कमीशन मतलब व्हेन यू हैव सोल्ड द गुड्स एट अ सरप्लस प्राइस ओवर एंड अबव योर नॉर्मल सेलिंग प्राइस, दैट इज 12,500 इज नॉर्मल सेलिंग प्राइस, यू हैव सोल्ड अबव दैट, तो आपके ऊपर ऐसी कंडीशन डाली जा सकती है कि इस प्राइस तक आपको क्या मिलेगा? ऑर्डिनरी कमीशन मिलेगा, राइट? और इसके ऊपर जो सरप्लस आया है उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? ओवरराइडिंग कमीशन। सर अगर ऐसा नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम है? एक प्रॉब्लम है, जरा ढूंढो, टोटल सेल जो है, टोटल सेल उसके ऊपर आपको क्या मिल जाएगा? अगर मान लो मैं टोटल सेल पर ले लूं, इसके पूरे ऊपर ले लूं, तो मुझे क्या ऑर्डिनरी कमीशन मिलेगा और सरप्लस के ऊपर और एक बार कमीशन मिलेगा? मतलब एक ही अमाउंट पर आपको दो बार कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एग्रीड? तो बेटा ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा बोला जाए कि अप टू नॉर्मल सेलिंग प्राइस आपको ऑर्डिनरी कमीशन मिलेगा, ऑन सरप्लस दे आर गोइंग टू गिव यू ओवरराइडिंग कमीशन, ऐसा हो सकता है। पूरी क्लास बताइए क्या होता है, बताओ। अप टू व्हाट? नॉर्मल सेलिंग प्राइस दे विल गिव यू व्हाट? ऑर्डिनरी कमीशन। एंड ओवर एंड अबव द नॉर्मल सेलिंग प्राइस दे विल गिव यू व्हाट? ओवरराइडिंग कमीशन। प्रॉब्लम डिफाइन हो सकती है सर, एग्रीड? तो ये प्रॉब्लम नंबर जो सी है उसमें मैं कमीशन अलग तरीके से कैलकुलेट करूंगा और प्रॉब्लम नंबर डी में अलग तरीके से करूंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सी और डी पहले मुझे पूरा एक्सप्लेन करने दीजिए, फिर आप उसको सॉल्व करना। पहले सी और डी पूरा एक्सप्लेन करना, और जो खाली जगह है ना वहां पर हम कुछ लिखेंगे, कोई लिखेगा नहीं, देखना जरा। सी ट्रांजैक्शन क्या बोल रही है बेटा आपकी? सी ट्रांजैक्शन पढ़कर बताओ मुझे क्या बोल रही है।
Mr. Y was entitled to an ordinary commission of 5% and Del Credere commission of 2% on sales. आगे कुछ लाइन है, and an overriding commission of 25% on surplus realized. Agreed? तो बेटा देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं since overriding commission as a percentage of surplus has been given, other commission have been calculated on sales at specified selling price. Means what? Price. Otherwise, Mr. Y will get unnecessarily ordinary commission and Del Credere commission on surplus realized also. मतलब एक ही commission का दो बार counting होगा. एक मतलब जो surplus amount है उस पर ordinary commission भी मिलेगा और कौन सा मिलेगा? Overriding. ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? देखिए, A actual total sales कितना है? हम already निकाल चुके हैं. कितना याद आ रहा है क्या? Actual total sales कितना था बेटा? 31 lakh. Okay, 31 lakh 80,000. अब अगर ये सेल नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर होता तो कितना सेल होता? अगर ये सारा सेल नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर होता तो कितना सेल होता? लो कैलकुलेटर पर जरा, कितना सेल होता? प्राइस कितनी आई थी अपनी नॉर्मल सेलिंग प्राइस? 12,500. सो 12,500 इंटू कितने यूनिट बिक गए? 150 + 75, 225. तो लो बेटा 12,500 इंटू 225 यूनिट्स. सही, तो ये कितना आ रहा है बेटा जी? 28,12,500. सर इधर कुछ लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा. मैं स्पेसिफाइड सेलिंग प्राइस इधर सेपरेटली निकाल रहा हूं पहले और फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूं. स्पेसिफाइड सेलिंग प्राइस तो मैंने निकालना सिखाया ना, यहां पर 100 कर कर याद आ रहा है क्या? अरे नलायक को बोलो ना. हाँ, ये वाला इधर बताया तो था. कहां पर ये? यहां पर. यहां पर भी नहीं, ये यहां पर 12,500 आया था ना. ये कहां गया? हाँ ये रहा, 12,500 आया था ना. So 12,500 into 225 कितना आ रहा है? 28,12,500. अच्छा तो अब सरप्लस कितना हुआ बेटा? सरप्लस हुआ 3,67,500. ये माइनस किया मैंने, चेक कर लो आ रहा है क्या. अब बेटा जी मैं क्या करूंगा? ऑर्डिनरी कमीशन, बेटा मैं ऑर्डिनरी कमीशन निकालूंगा. मैं ऑर्डिनरी कमीशन निकालूंगा इस अमाउंट पर, क्योंकि ऑर्डिनरी सेलिंग प्राइस है. समझ में आ रहा है क्या? सो 28,12,500 पर ऑर्डिनरी कमीशन कितना आएगा बेटा जी? क्या परसेंटेज दिया है? 5%. जरा देखो, सो 5% ऑफ 28,12,500 इट वुड बी इक्वल टू 1,40,625. एम आई कम्युनिकेटिंग क्लियरली? अच्छा दूसरा वाला, डेल क्रेडिट कमीशन भी मैं निकालूंगा जो सेल हो रहा है ऑर्डिनरी सेलिंग प्राइस पर. दिख रहा है क्या ये वाला? तो बेटा कितना आएगा ये? 2% ऑफ 28,12,500. तो कितना आएगा बेटा? 56,250. और बेटा सरप्लस कितना है? 367,500 इंटू ओवरराइडिंग कमीशन. 367,500 इंटू कितना? 25%. बेटा कितना आ जाएगा? 91,875. टोटल कमीशन कितना हो गया? 2,88,750. एम आई कम्युनिकेटिंग? मैं अभी थोड़ी सी देर के लिए, दो मिनट, गिव मी टाइम. इसका क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है सर. डेल क्रेडिट कमीशन तो टोटल सेल्स पर निकालना चाहिए ना, बराबर है. अब जो एक लाइन ब्लैंक रखी है ना मैंने वहां पर, एक जो पॉइंट ब्लैंक रखा है ना, तो वहां पर मैं एक वर्ड रिप्लेस करता हूं. ध्यान से रिप्लेस कीजिए. मिस्टर वाई वॉज एंटाइटल टू ऑर्डिनरी कमीशन ऑफ 5% कॉमा डेल क्रेडिट कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स एट NSP, एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस. लिखिए, एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस, एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस, NSP नॉर्मल सेलिंग प्राइस. इससे आपकी क्वेरी सॉल्व हो रही है क्या? मैंने बोला था मैं एक वर्ड रिप्लेस करूंगा. सो बेटा क्वेश्चन ध्यान से रीड करना, आपकी जिम्मेदारी है. तो उन्होंने क्या बोला है? ऑर्डिनरी कमीशन और डेल क्रेडिट कमीशन ये किस पर कैलकुलेट होगा? ऑन नॉर्मल सेलिंग प्राइस. एम आई कम्युनिकेटिंग? और सरप्लस पर उनको क्या मिलेगा? सिर्फ एक ही कमीशन, जिसका नाम क्या है? ओवरराइडिंग कमीशन. सभी को समझ में आ रहा है क्या? मुझे पूरी क्लास बताएगी. मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि कैलकुलेट द कमीशन ऑन व्हाट? कैलकुलेट द कमीशन विच ऑर्डिनरी एंड डेल क्रेडिट ऑन विच प्राइस बेटा जी? नॉर्मल सेलिंग प्राइस. तो आपको पहला क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी. एग्रीड? और उसके ऊपर ऑर्डिनरी कमीशन देना पड़ेगा. और एक कौन सा कमीशन देना पड़ेगा? डेल क्रेडिट.
और फिर जो सरप्लस रहेगा उस पर कौन सा कमीशन दोगे आप? ओवरराइडिंग कमीशन. नाउ इमीडिएटली रीड एडजस्टमेंट नंबर डी. डी में देखो मैंने वर्डिंग चेंज की थोड़ी सी. डी देखो पढ़ो. मिस्टर वाई वॉज एंटाइटल टू ऑर्डिनरी कमीशन ऑफ 5% ऑन टोटल सेल्स. प्लीज 1000 बार अंडरलाइन कीजिए ऑन टोटल सेल्स. समझ में आई बात? देन में मतलब एक वर्ड स्किप हो गया कि बस समझो लफड़ा हो गया. और आगे ध्यान से पढ़िए और क्या लिखा है. डेल क्रेडिट कमीशन ऑफ 2% ऑन क्रेडिट सेल. 100 बार आवाज आनी चाहिए आपके कान में. ऑन व्हाट? क्रेडिट सेल्स. सर मगर आपने तो बोला था कि डेल क्रेडिट कमीशन टोटल सेल्स पर देते हैं. बोला था मगर जब एग्जामिनर बोले क्रेडिट सेल्स पर दो तो क्रेडिट सेल्स पर देने का राडा नहीं करने का. समझ में आई बात? धन में तो किस पर दोगे? डेल क्रेडिट कमीशन ऑन क्रेडिट सेल. आगे देखते क्या लिखा. एंड एन ओवरराइडिंग कमीशन ऑफ 25% ऑफ द सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड. तुम्हारा क्वेश्चन आंसर बन गया. अभी मैं आपको बता रहा हूं. बताओ मुझे ऑर्डिनरी कमीशन किस पर दोगे? पूरी क्लास. टोटल सेल्स. टोटल सेल्स मतलब कौन सा? क्रेडिट सेल्स एज वेल एज कैश सेल्स जितने भी प्राइस पर हुआ होगा. तो ये देखिए बेटा जी ऑर्डिनरी कमीशन 5% ऑफ 31,80,000. याद है आपको फिगर? ये 31,80,000 वाज व्हाट? टोटल सेल. उस पर आ गया. फिर सेकंड वन डेल क्रेडिट कमीशन किस पर देना है? पूरी क्लास. क्रेडिट सेल. बताओ क्रेडिट पर कितने यूनिट बिके? 150 यूनिट इंटू 14,200. बेटा बताओ कितना रहा? 21,30,000. तो बेटा देखो डेल क्रेडिट कमीशन कितना आएगा? 2% ऑफ 21,30,000 42,600. और बेटा ओवरराइडिंग कमीशन कितना सरप्लस है? ओवरराइडिंग कमीशन 25% ऑफ सरप्लस रियलाइज्ड. वो सरप्लस याद आ रहा है कि पिछले बार कितना था? 25% ऑफ 3,67,500. कितना आ रहा है बेटा? 91,875. टोटल कमीशन कितना हो गया? 2,01,600. सीपीटी इज द गेम ऑन वर्ड्स. यू रिप्लेस वन वर्ड हियर एंड देयर एंड द होल आंसर विल चेंज. अर्लियर क्वेश्चन दे क्लियरली सेड दैट यू कैलकुलेट डेल क्रेडिट कमीशन एंड ऑर्डिनरी कमीशन ऑन व्हाट? ऑन टोटल सेल. नहीं, ऑन सेल एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस. And my dear friend, overriding commission on surplus realized. In this question, they have changed the wording. They are saying you calculate ordinary commission on total sales. Del credit commission on credit sales. And my dear friend, 25% on surplus realized. कौन सा बेटा? क्यों? अच्छा वो total गलत आ गई क्या? वो कोई बात नहीं. हाँ, वो एक लिया ही नहीं उन्होंने. इट शुड बी 293,475. शुड बी 293,475. अब ठीक है बेटा. थैंक यू. चलिए अभी लिखते हैं. सी का लिखिए बेटा. ये नोट लिखनी है तो लिखो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है. आपके लिए नोट लिखना है तो लिख कर रखिए, या कोई जरूरी नहीं है. चलो उठो, बुलावा आया है. उठो, बुलावा आया है. उठो 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 उठो. हाँ दोनों तुम समझ गए मैं किसको बोल रहा हूँ. उठ जाओ ना. लाइक हाँ उठो. आओ मैं बिठाता हूँ तुमको. आ जाओ. कम 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 उठो वहाँ से. तू भी उठ बेटा. नहीं तू नहीं रे भाई. हाँ इनको आभारा नहीं देना. आ जाओ बैठो इधर. अब जो बातें करनी है इधर बैठ कर करो. हाँ वो मैं बताता हूँ कहाँ बैठने का. थोड़ा सा अंदर का चक. हाँ अंदर जाने दे उसको. जाओ बैठो. और आप इधर से एंट्री नहीं. नहीं नहीं मैं बताता हूँ ना तू कहाँ बैठने का है. वो उधर वाले कॉर्नर में जाके बैठ जहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ है. वो कॉर्नर दिख रहा है? इधर से नहीं जा सकता. उधर से ही जाओ. नहीं मैं बता रहा हूँ वहीं पर बैठ.
टेक्स्ट बुक कहाँ है आपकी? हाँ निकालो उसको और अपनी टेक्स्ट बुक को यूज करो। ये बैग निकाल दो। हाँ इसके बाद में बेटा ये लिखना शुरू कीजिए आप, टोटल सेल्स इतना है और टोटल सेल्स एट स्पेसिफाइड सेलिंग प्राइस, दैट इज नॉर्मल सेलिंग प्राइस इतना आएगा, राइट। अब देखो सरप्लस इतना है, अभी आपके पास तीनों फिगर है, टोटल सेल्स है, एनएसपी है नॉर्मल सेलिंग प्राइस का है और सरप्लस है। जो बेटा आपका टोटल सेल्स है उसको यूज नहीं करना है इसमें, आपको नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर ऑर्डिनरी कमीशन निकालना है और डेल क्रेडिट कमीशन आपको नॉर्मल सेलिंग प्राइस का जो सेल है उसी पर निकालना है, और बेटा ओवरराइडिंग कमीशन आपको सरप्लस पर निकालना है, और इस तरीके से आपका टोटल कमीशन आएगा। हो गया ठीक है। अगला दिखाऊं बेटा, क्या करूं ऊपर ले लूं? अब ठीक है, क्या हुआ? चलिए अगला देखते हैं, जल्दी लिख बेटा। जल्दी लिखो,
चलो नेक्स्ट, ये भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, इन दोनों की नोट्स में लास्ट में लिख कर दूंगा, आई विल गिव यू द नोट फॉर बोथ ऑफ देम एट द एंड, हो गया, ये भी वेरी गुड, कीप इट अप। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन ड्यू टू मिस्टर एक्स, दिस इज इन केस नंबर डी, जिसमें ऑर्डिनरी कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स, डेल क्रेडिटरी कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन क्रेडिट सेल्स एंड ओवरराइडिंग कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन सरप्लस रियलाइज्ड। इधर नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर कोई भी कमीशन नहीं है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस का सिर्फ रिलेशन आया था सरप्लस निकालते वक्त, टोटल सेल्स माइनस सेल्स एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस वी गॉट द सरप्लस, सरप्लस पर हमने ओवरराइडिंग कमीशन दिया था। चलिए नोट लिखिए, राइट डाउन अ नोट, राइट डाउन अ नोट, व्हाइल कैलकुलेटिंग द कमीशन, व्हाइल कैलकुलेटिंग द कमीशन पे स्पेशल अटेंशन टू द वर्डिंग्स ऑफ द प्रॉब्लम, पे स्पेशल अटेंशन टू द वर्डिंग्स ऑफ द प्रॉब्लम, दिस यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, पे स्पेशल अटेंशन to the wordings of the problem, write down point number 2, write down point number 2, if problem is silent generally, underline the word generally, if problem is silent generally Del Creditor Commission and Ordinary Commission both are calculated on total sales, underline the word total sales, total sales मतलब समझ में आ रहा है, जितने में एक्चुअली बेचा है वो टोटल सेल्स, नॉट एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस, जितने में आपने बेचा है उस पर आपको देना पड़ता है कमीशन, बाय एंड लार्ज जनरली, इज दैट ओके, अगर प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं बोला गया तो किस पर दोगे कमीशन, टोटल सेल्स पर। चलिए आइए अभी हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं, आई विल रिक्वेस्ट यू टू कम डाउन टू द पॉइंट नंबर ई, मिस्टर वाई वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 500 पर यूनिट सोल्ड, अंडरलाइन द वर्ड 500 पर यूनिट सोल्ड, मतलब कमीशन का तरीका कैसे, 500 रुपए हर एक यूनिट बेचा उस पर, प्लस दे आर सेइंग हाउ मच, प्लस 25% ऑफ एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज, नाउ हाउ मच इज सरप्लस प्राइस रियलाइज माय डियर फ्रेंड, 367,500, सो बेटा सिंपल होगा, जितने यूनिट बेचे 225 इंटू 500 हो जाएगा, हाँ नहीं 112,500, और ये ओवरराइडिंग कमीशन कितना हो जाएगा, 25% ऑफ 367,500 कितना आ जाएगा 91,875 एंड द टोटल कमीशन वुड बी 204,375, ये तो आसान एकदम लिख लो, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी, कौन सा अंडला है, ओके
So dear boys and girls, ठीक है, नाउ प्लीज बॉयज एंड गर्ल्स कम डाउन टू द पॉइंट नंबर एफ। एफ और जी दोनों मैं ही सॉल्व करूंगा, पहले आपने सिर्फ देखना और फिर हम आगे जाएंगे। एफ और जी बहुत कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, एफ और जी वेरी कॉमनली आस्क्ड, और एफ और जी दोनों ही ट्रांजैक्शन में कमीशन उतना ही आएगा, मगर मैं आपको वापिस एक बार बोलूंगा कि वर्डिंग पूछने का तरीका कैसे डिफर हो सकता है। बोथ एफ एंड जी विल मीन वन एंड द सेम, बट द वे दे आस्क इट दे कैन ट्विक इट, दे कैन चेंज द वर्डिंग, तो आप देखना कैसे। सो पढ़िए क्वेश्चन नंबर एफ, मैं वापस रिक्वेस्ट करूंगा कोई लिखेगा नहीं, पहले देखेगा समझेगा। मिस्टर वाई वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 500 पर यूनिट सोल्ड, आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड 225 × 500, एम आई कम्युनिकेटिंग, यस, प्लस 25% ऑफ एनी सरप्लस रियलाइज। एनी सरप्लस को अंडरलाइन करके लिख दो, इसका मीनिंग क्या है, एनी सरप्लस का मतलब क्या है, एक्सेस, एक्सेस मतलब जिस पर ओवर राइडिंग कमीशन। सो 25% वो किसकी बात कर रहे हैं, ओवर राइडिंग कमीशन। सो क्या बोला, 25% ऑफ एनी सरप्लस रियलाइज्ड एज रिड्यूस्ड बाय टोटल कमीशन, मतलब क्या, सरप्लस में से क्या कम कर देना, जो कमीशन टोटल उसका बनने वाला वो माइनस कर जितना बैलेंस आएगा उस पर हम क्या दे देंगे बेटा जी, उसको ओवर राइडिंग कमीशन। तो मैथमेटिकली देखो, मैं प्रूव कर रहा हूं आपको मैथमेटिकली, कैन आई से लेट टोटल कमीशन इज इक्वल टू एक्स। नाउ यू आर आस्किंग मी, सर अभी तक तो हम प्रॉब्लम एकदम सीधे तरीके से सॉल्व कर रहे थे, इस बार एक्स क्यों है, क्योंकि बेटा जो लास्ट लाइन है उसमें क्या बोल रहे हैं, 25% ऑफ एनी सरप्लस रियलाइज्ड एज रिड्यूस्ड बाय टोटल कमीशन, मतलब 25% किस पर डिपेंडेंट है, कि टोटल सरप्लस में से आपको क्या लेस करना है, टोटल कमीशन, हाँ या नहीं, मतलब कमीशन निकालने के लिए हमको टोटल कमीशन पता होना जरूरी है, नहीं तो हम ओवर राइडिंग कमीशन नहीं निकाल सकते। आई वुड लाइक टू रिपीट इट अगेन, इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वॉट इज माई टोटल कमीशन राइट, देन आई शुड नो वॉट ऑर्डिनरी कमीशन एंड ओवर राइडिंग कमीशन। तो मैं आपके लिए लिख देता हूं, अगर मुझे कमीशन पता करना है तो मुझे पता होना चाहिए ऑर्डिनरी कमीशन प्लस ओवर राइडिंग कमीशन, बराबर है क्या। अब बेटा उसमें ऑर्डिनरी कमीशन जो है वो आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाता है, क्यों, 500 इंटू 225 यूनिट्स आराम से आ जाएगा, मगर जो ओवर राइडिंग कमीशन है उसका वर्डिंग क्या बोला है, 25% ऑफ सरप्लस 367,500, बराबर है क्या, एज रिड्यूस्ड बाय टोटल कमीशन, मतलब बेटा जी जो मुझे टोटल कमीशन निकालना है तो मुझे ओवर राइडिंग कमीशन पता होना जरूरी है, मगर ओवर राइडिंग कमीशन निकालने के लिए मुझे टोटल कमीशन का पता होना जरूरी है, क्योंकि ओवर राइडिंग कमीशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, टोटल कमीशन। तो ऐसे केस में जब एक ही चीज दो जगह पर काम आने वाली हो तो हम ऐसी चीज को सॉल्व करते विद द हेल्प ऑफ एक्स। मैं क्या करूंगा, एक सिंपल मैं बोलूंगा लेट द टोटल कमीशन इज इक्वल टू एक्स, बराबर है, तो फिर मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स इज इक्वल टू, एक्स मतलब क्या पूरी क्लास बोलेगी अभी, टोटल कमीशन, एक्स इज इक्वल टू मैं क्या बोलूंगा 225 यूनिट्स इंटू रुपीज 500, सर ऐसा क्यों, अरे बोला है ना लायक, प्लस 25% ऑफ 367,500 माइनस एक्स, क्या गलत बोला मैंने, अच्छा 367,500 है ना सरप्लस, एक बार देख लो, ठीक है, तो बेटा मेरा कितना आएगा 225 × 500 112,500 प्लस 25% ऑफ 367,500 कितना आएगा, तो कितना आएगा प्लस 91,875 माइनस 0.4x, 0.25x, आई एम सॉरी 0.25x, एम आई कम्युनिकेटिंग, एक्स मतलब आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, इट मींस 1x, 1x का 25% मतलब कितना 0.25x। अब मैं क्या करूंगा, 1.25x इज इक्वल टू 112,500 प्लस 91,875 डिवाइड बाय 1.25, कितना आंसर आ रहा है बेटा 1,63,500।
अरे बाप रे, ये कितना आएगा? 2,04,375. एम आई कम्युनिकेटिंग? ये आंसर आ गया. कितना कमीशन है? 163,500. वर्डिंग वापिस सुनो. सरप्लस में से क्या माइनस करना है? टोटल कमीशन. ऐसा क्यों? एज रिड्यूस्ड बाय व्हाट? टोटल कमीशन. तो टोटल कमीशन हमने कितना अज्यूम करके रखा था? एक्स. मतलब एक्स निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ रही है आगे? एक्स की. तो इस केस में हम क्या करेंगे? टोटल कमीशन को एक्स अज्यूम करके सॉल्व करते हैं. अब तुमको और मजा आएगा. ये प्रॉब्लम अभी थोड़ी बहुत ईजी लगी होगी. अब देखो, इसी प्रॉब्लम को नलायक ने पूछने का तरीका देखो कैसे रखा है. पढ़ो नेक्स्ट प्रॉब्लम. सेम प्रॉब्लम है, बस वर्डिंग कैसे चेंज हुई है. देखिए, सेम प्रॉब्लम. मिस्टर वाई एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 500 पर यूनिट सोल्ड प्लस 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच ग्रॉस सेल प्रोसीड्स लेस टोटल कमीशन देयर ऑन एक्सीडेड अ सम कैलकुलेटेड एट स्पेसिफाइड सेलिंग प्राइस. ट्रस्ट माय वर्ड्स, तुमको दोनों प्रॉब्लम अलग लग रही होगी. वन एंड द सेम. शैल आई प्रूव यू? देखते. सो इधर भी लिखता हूं, लेट टोटल कमीशन इज इक्वल टू एक्स. सर क्यों? क्योंकि बेटा लास्ट लाइन में ऐसा बोला हुआ है, एक्सीडिंग लेस टोटल कमीशन बोला है ना. लेस टोटल कमीशन मतलब टोटल कमीशन हमको कैलकुलेट करने के लिए लग रहा है. तो ये देखिए, तो मैं एक्स इज इक्वल टू आपके लिए जानबूझ कर लिखूंगा ऑर्डिनरी कमीशन प्लस ओवरराइडिंग कमीशन. सही है? अब ऑर्डिनरी कमीशन कितना आएगा? तो मैं लिखूंगा ऑर्डिनरी कमीशन मतलब 500 पर यूनिट. तो 500 इंटू 225. आई डोंट थिंक सो इसमें समझने में कोई दिक्कत है. रुपीज 500 इंटू 225 यूनिट्स. डू यू हैव एनी इश्यूज? नो. प्लस ओवरराइडिंग कमीशन. तो देखो क्या वर्डिंग है. 1/4, 25% को हम 1/4 भी तो बोल सकते हैं ना. 25% इज नथिंग बट 1/4. सो मैं लिखूंगा 1/4, जो तुम बोलो मालिक 1/4. फिर क्या बोल रहे? ऑफ द अमाउंट बाय विच ग्रॉस सेल प्रोसीड्स. ग्रॉस सेल प्रोसीड्स याद आता है कि आपको? 31 लाख कितना था टोटल ग्रॉस सेल प्रोसीड्स? कितना? 31,80,000. समझ में आ रहा है क्या? 31,80,000 ग्रॉस सेल प्रोसीड इतना ही होगा. नहीं, ग्रॉस सेल प्रोसीड इतना ही होगा. लेस टोटल कमीशन. लेस टोटल कमीशन तो ये लेस एक्स. देयर ऑन एक्सीडेड अ सम कैलकुलेटेड एट स्पेसिफाइड सेलिंग प्राइस. बेटा स्पेसिफाइड एनएसपी पर आपने सेल जो निकाला था वो मुझे देखकर बताओ. प्रॉब्लम नंबर टू में निकाला था, केस नंबर टू में. 21 लाख, 28 लाख, 12,500. अरे नलायक को दिस, इसमें से ये माइनस करेंगे तो सरप्लस ही तो मिलेगा. नहीं, चलो मैं तुमको दिखाता हूं. ये देखो, 500 इंटू 225 प्लस 1/4 इंटू द ब्रैकेट 31,80,000 माइनस 28,12,500 कितना आ रहा है? 367,500 माइनस एक्स. देखो ऊपर का और ये वर्डिंग सेम है कि नहीं, देख लो अभी. ये देखो 367,500 माइनस एक्स, और उसका कितना है? 25%. और ये तो एज इट इज है. हाँ या ना? तो बेटा क्वेश्चन पूछने का तरीका आपको समझ में आ रहा है क्या? वो आपको डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कि सरप्लस पर लो. कमी ना, पूरी लाइन बोल रहा है. क्या लाइन बोल रहा है? कि ग्रॉस सेल्स में से टोटल कमीशन माइनस करो और उसमें से और एक चीज माइनस करो, सेल्स एट नॉर्मल स्पेसिफाइड सेलिंग प्राइस. मींस व्हाट? सरप्लस. तो सरप्लस माइनस एक्स. समझ में आ रही है क्या बात? धन में एग्रीड. तो ऐसा क्वेश्चन एकदम कॉमनली आता है. सरप्लस निकालना होता है उसमें, और सरप्लस में से क्या माइनस करना होता है? एक्स. देख लो आंसर उतना ही आता है क्या? उतना ही तो आएगा यार. 500 इंटू 25 कितना आ रहा बेटा? 1,12,500. ओके, प्लस 1/4 ऑफ थर्ड लो 367,500 डिवाइड बाय 4 कितना आ रहा है? 91,875. और बेटा 1 डिवाइड बाय 4 कर देख लो, 0.25x ही आ रहा है. सो 0.25x. तो अभी मैं क्या करूंगा? 1.25x इज इक्वल टू 2,04,000
2,04,375. Right now, x is equal to 2,04,375 divided by 1.25. कितना आएगा? 1,63,500. Say ho. I hope you got my point. So the right answer is how much? 163,500. चलिए आप कर दीजिए इसको सॉल्व. उधर दिखाऊं एक्सेल में कि इधर से लिखोगे? लिख लोगे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? उधर से लिखना है? अच्छा लिखो फिर, अभी शुरू करो. दिस इज अ क्लासिक केस कि एक सिंपल सी चीज को किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पूछा जा सकता है. प्रॉब्लम नंबर एफ एंड जी इज वन एंड द सेम. एफ एंड जी इज वन एंड द सेम. ओके बेटा, पता नहीं कौन से गांव से आते हैं नलायक, एक बॉटल नहीं संभाल सकता जिंदगी में, आगे क्या क्या चीजें संभाले करे. और बहुत सारी चीजें संभालनी है लाइफ में. हो गया, ये लिख लिया क्या? चलो ये दूसरा वाला भी लिख लो, ये भी सेम ही है. चले गए बेटा आगे. अब हम अगला कंसेप्ट के पास चलते. दो दो बार लिख रहे हो क्या? यूजलेस. कमीशन के एखादा एमसीक्यू सॉल्व करना है. चलो एमसीक्यू सॉल्व करते हैं. विल यू प्लीज कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर, एमसीक्यू नंबर 8 ऑन पेज नंबर 9.13. एमसीक्यू नंबर 8, आठवां एमसीक्यू, 8th एमसीक्यू ऑन पेज नंबर 9.13. पढ़िए बेटा क्या लिखा है. एक्स ऑफ कोलकाता सेंड्स आउट गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख. बेटा अंडरलाइन करो 1 लाख. कॉस्टिंग 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 ऑफ दिल्ली. 3/5 of the goods were sold by consignee for ₹70,000. Please underline the word 3/5. Commission is 2% on sales plus 20% of gross sales less all commission
एक्सीड्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के ऊपर जितना है वो, द अमाउंट ऑफ कमीशन विल बी। तो बेटा मुझे बताओ, 1 लाख माल 100% है कि नहीं है? तो बेटा 3/5 का कितना आएगा, 3/5 का कितना आएगा कॉस्ट? 1 लाख इंटू 3/5, 60,000। ये समझ में आया? तो देखो मैं कमीशन कैसे लिखूंगा, कमीशन इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, कितना परसेंट बोला है, 2% ऑन सेल्स, सो 2% ऑन सेल, सेल सेल कितना है 70,000, 2% ऑफ 70,000 हाँ नहीं, प्लस समथिंग बोला है ना, 2% ऑन सेल्स प्लस, जैसे प्रॉब्लम बोल रही वैसे लिखते जा रहा हूं मैं, प्लस क्या बोल रहे, 20% मतलब 20/100 डिवाइड बाय ग्रॉस सेल प्रोसीड 70,000, सही है ना, लेस ऑल कमीशन, कमीशन को हमने अज्यूम किया एक्स, एक्सीड्स कॉस्ट प्राइस, बेटा उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 60,000, ब्रैकेट क्लोज। बस फर्क क्या है पिछली प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में, इन्होंने क्या बोला है, एज एक्सीड्स कॉस्ट प्राइस, वर्डिंग के पास ध्यान दो, कॉस्ट प्राइस के ऊपर जितना वैल्यू आएगा उसके ऊपर 20% और मिलेगा। तो बेटा बताओ कितना आएगा, 2% ऑफ 70,000 मतलब कितना आएगा, 1400 प्लस 20% ऑफ 10,000 मतलब 2000 माइनस 0.2x, समझ रहे हो क्या, देखो x, इसका मतलब कितना आएगा, 1.2x इज इक्वल टू 3400, सो x इज इक्वल टू 3400 डिवाइड बाय 1.2, व्हाट इज द राइट आंसर, 2833, व्हाट इज द राइट आंसर बेटा जी, ए ऑप्शन ए 2833, विल यू कम डाउन टू एमसीक्यू नंबर 21, आफ्टर दैट एमसीक्यू नंबर 21 पेज नंबर 9.15, 21 एमसीक्यू पेज नंबर 9.15 पढ़िए क्या लिखा है, एक्स ऑफ कोलकाता सेंड्स आउट सर्टन गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%, इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड सेंट आउट इज 2 लाख, बेटा इनवॉइस वैल्यू का मतलब पता है क्या, सेल वैल्यू, 4/5 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड बाय कंसाइनी एट 1,76,000, कमीशन 2% अप टू इनवॉइस वैल्यू एंड 10% ऑफ एनी सरप्लस रियलाइज्ड अबव इनवॉइस वैल्यू, द अमाउंट ऑफ कमीशन विल बी। सो बेटा पहला एक काम करते हैं अपन, कि बेटा टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी है, टोटल इनवॉइस वैल्यू 2 लाख, बराबर है? तो बेटा मुझे बताओ कितना माल बिक गया है, 4/5, सो 4/5 वैल्यू कितना आएगा बेटा, 2 लाख का 4/5 तो कितना आएगा, 1,60,000, तो मतलब 4/5 का इनवॉइस वैल्यू इज 1,60,000, एक्चुअल सेल प्राइस कितनी है, एक्चुअल सेल प्राइस 1,76,000, तो बेटा सरप्लस कितना हुआ, 16,000, एम आई कम्युनिकेटिंग, चलिए अभी क्या बोल रहे, कमीशन 2% अप टू इनवॉइस वैल्यू, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड 2% अप टू इनवॉइस वैल्यू, वो याद आ रहा है कि आपको बताया था मैंने प्रॉब्लम नंबर 2 में कराया था, कमीशन 2 प्रॉब्लम नंबर 2, उसमें कुछ एक परसेंटेज था 5% ऑर्डिनरी कमीशन ऑन सेल्स एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस, जाके चेक करो वहां पर आपने लिखा था केस 2 में नॉर्मल सेलिंग प्राइस, क्वेश्चन में आपने लिखा था जाके चेक कर लो। तो बेटा ऐसे ही यहां पर क्या बोला, कमीशन ऑफ 2% अप टू इनवॉइस वैल्यू, मतलब इनवॉइस वैल्यू तक कमीशन कितना है 2%, प्लीज अंडरलाइन यू कैन नॉट टेक कमीशन ऑन टोटल सेल्स ऑफ 1,76,000, क्लियर बोला है 2% अप टू इनवॉइस वैल्यू, वर्डिंग के पास ध्यान दो, समझ में आया? तो माल कितने का बिका है बेटा, 1,60,000 इनवॉइस वैल्यू का बिका है, तो मेरा कमीशन कितना आएगा, 2%
of 1,60,000 प्लस क्या बोल रहे बेटा एंड मतलब प्लस एंड 10% ऑफ एनी सरप्लस अबव इनवॉइस वैल्यू. नाउ 10% अबव इनवॉइस वैल्यू मतलब कितना है 16,000. नाउ 2% ऑफ 1,60,000 इज 3,200 प्लस 10% ऑफ 16,000 इज 1,600. सो द टोटल कमीशन शुड बी 4,800. व्हाट इज द राइट आंसर ए 4,800. तो सर कमीशन का यहां पर तो हर एक क्वेश्चन अलग आ रहा है. यस, जैसा प्रॉब्लम बोलेगे वैसा सॉल्व करना है. अगर रट के जाओगे क्वेश्चन को तो समझ जाना निश्चिंत ही आप रॉन्ग आंसर करके आओगे. यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्डिंग द मीनिंग अटैच टू इट एंड देन सॉल्व इट. और उतना मुश्किल नहीं है. चार पांच कंसेप्ट अगर आपको कमीशन के बारे में पता रहेंगे आप आराम से सॉल्व कर लो. और प्रॉब्लम खुद बता रही ना कि क्या करना है. अप टू इनवॉइस वैल्यू तक 2% दो, सरप्लस के ऊपर 5% कितना 10% दो, बस उतनी तो बात है. तो पहले आपने क्या निकाला, इनवॉइस वैल्यू तक का सेल निकाला. एंड इनवॉइस वैल्यू तक का सेल कितना है बेटा जी 1,60,000. उस पर कितना कमीशन है 2%. और खुद उन्होंने बोला सरप्लस पर कितना सेल है बेटा जी 10% कमीशन है. तो हमने निकाल दिया. एग्रीड. एक आध क्वेश्चन और देखूं. 28th क्या? ओके, कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 28th क्वेश्चन. प्लीज कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 28th. एमसीक्यू नंबर 28th एमसीक्यू पेज नंबर 9.16. एक्स ऑफ कोलकाता सेंड्स आउट गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1,00,000. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू अंडरलाइन द वर्ड कॉस्टिंग, क्योंकि इससे आप ट्रेन हो रहे हो कि कौन से वर्डिंग के पास ध्यान देना. कॉस्टिंग 1,00,000 टू वाई ऑफ मुंबई एट कॉस्ट प्लस 25%. मतलब आपको इनवॉइस वैल्यू निकालते आएगी, कॉस्ट पर कितना परसेंट जोड़ना पड़ेगा 25%, मतलब 1,25,000 होगा इनवॉइस वैल्यू. कंसाइनर्स एक्सपेंसेस 2,000. ये देखा कमीनापन, कंसाइनर्स के एक्सपेंसेस. अबे नलायको, स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं करना है, कमीशन निकालना है. हा या नहीं? ये कमीनापन ऐसे कुछ करता है. दूसरा डेटा जो रिलेवेंट नहीं है वो दे दिया है. आगे चलो. 3/5 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड बाय कंसाइनी एट 85,000. बोल रहे कि 3/5 ऑफ द गुड्स सेल हो गया कंसाइनी से. कमीशन 2% ऑन सेल्स एंड प्लस 20% ऑफ ग्रॉस सेल्स लेस ऑल कमीशन एक्सीड्स इनवॉइस वैल्यू, अमाउंट ऑफ कमीशन विल बी. मैं वापिस आपको पूछ रहा हूं, कंसाइनर एक्सपेंसेस का क्या लेना देना? कुछ तो लेना देना नहीं है ना, बस ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया है. तो हम क्या करेंगे, कमीशन इज इक्वल टू, पहले एक लिख देते हैं, इनवॉइस वैल्यू कितनी है टोटल इनवॉइस वैल्यू. तो बेटा 1,00,000 कॉस्टिंग है प्लस प्रॉफिट कितना आएगा 25,000. क्यों 25,000? क्योंकि कॉस्ट के ऊपर ही परसेंटेज दिया है. सो बेटा मेरा आईपी कितना आएगा 1,25,000. अब बेटा 1,25,000 का कितना माल बिका है? सो 1,25,000 इंटू 3/5 75,000. सो 3/5 इनवॉइस वैल्यू कितनी आ गई, इनवॉइस वैल्यू 75,000. बेटा एक्चुअल सेल कितने में हुआ? आईला एक्चुअल सेल हुआ है 85,000. तो बताओ सरप्लस कितना हुआ? सरप्लस हो गया आपका 10,000. एग्रीड. चलिए बेटा जी, अब आप एक काम करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं. कमीशन कितना आएगा लिखते हैं. कमीशन इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना बेटा 2% ऑन सेल्स. बेटा सेल्स कितना हुआ है, सेल्स बोला है तो स्पेसिफाइड सेलिंग प्राइस पर लूं कि टोटल सेल्स पर लूं? सोचो सोचो सोचो, ऐसा बोला है कहीं पर कि स्पेसिफाइड सेलिंग प्राइस पर एट नॉर्मल इनवॉइस वैल्यू पर, ऐसा कहीं बोला है? नहीं, क्लियर बोल रहे ऑन सेल्स. सेल्स कितने का आप मुझे देखकर बताइए. कमीशन 2% ऑन सेल्स, कमीशन 2% ऑन सेल्स, सेल्स कितना है? ओके, सो मैंने 2% ऑफ 85,000 लिया प्लस उन्होंने बोला कितना बेटा जी 20%. तो मैंने लिखा 20% ऑफ ग्रॉस सेल प्रोसीड्स. ये तो वापस वही कमीनापन चालू हो गया. 85,000 माइनस लेस ऑल कमीशन माइनस एक्स एक्सीड्स इनवॉइस वैल्यू. इनवॉइस वैल्यू कितनी है 75,000. अरे बाबा एट द एंड ऑफ द डे सरप्लस ही तो बोल रहा है ना, बस घुमा फिरा के बोल रहा है. थ्री इडियट्स मूवी देखी ना? हाँ, चेन का जैसे डेफिनेशन दिया है वैसे बहुत घुमा फिरा के डेफिनेशन दिया है. सो एक्स इज इक्वल टू 2% ऑफ 85,000 कितना आ रहा है 1,700. सो हम लिखेंगे 1,700
ये 1700 प्लस बेटा 10,000 का 20% मतलब 2000 माइनस 0.2x, बोले तो कितना आएगा 1.2x, बोले तो कितना आएगा 3700। और जब 3700 से 1.2 डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है x, 3700 डिवाइड बाय 1.2, 3083। व्हाट इज द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स? ए। सो राइट ऑप्शन इज ए। ऐसा गलत फहमी मत पाल लेना कि हर एक क्वेश्चन का आंसर ए ही होता है उधर कमीशन में ना। यो अब मुझे लगता है कमीशन को कर लोगे, वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कमीशन को याद करके जाओगे फंसना तय है। प्रॉब्लम की वर्डिंग्स को पढ़ो, जैसा प्रॉब्लम बोल रही वैसा सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। सर मैंने मॉड्यूल में ये क्वेश्चन पढ़ा था, उसका आंसर वही टू वही सेम है। मैं आपको मजाक नहीं बोल रहा हूं, पिछले बार का बात है, पिछली बैच का बैच की बात बता रहा हूं। मॉड्यूल में एक क्वेश्चन था, मैंने क्लास में सॉल्व कराया, पूरा पूरा क्लास में सॉल्व कराया। बच्चा दूसरे दिन क्लास में आकर मेरे को बोला, उसके पास एक्चुअली नई मॉड्यूल थी, मैंने पुरानी वाले मॉड्यूल से कोई सॉल्व करा था, बच्चा नई मॉड्यूल लेकर आया मेरे पास आकर बोला सर आपने जो सॉल्व कराया गलत है। मैंने बोला यार ऐसे कैसे बात कर रहा है यार, गलत कैसे सॉल्व कराऊंगा, नहीं यार इतने बच्चों का करियर की बात है, नहीं करूंगा ऐसा। नहीं सर ये देखो सर सेम क्वेश्चन है, उन्होंने सॉल्व कर दिया है और ये आपका आंसर गलत आ रहा है। तुमको पता है मॉड्यूल ने क्या किया, नई मॉड्यूल में एक वर्डिंग इधर की उधर चेंज कर दी, बस एक ही वर्डिंग, दो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि कौन सी वर्डिंग चेंज की थी, एक ही वर्डिंग चेंज की थी। यू गेटिंग माय पॉइंट? और जब वो वर्डिंग चेंज हो गई तो उसका आंसर अलग आने लग गया। अब बच्चा क्या करता है कि मॉड्यूल का क्वेश्चन है, और मुझे पता आज के बच्चे क्या करते हैं, 10-10 बार मॉड्यूल सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि क्या है दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो तुम अभी जले हुए हो, है ना, मतलब पहली बार सीपीटी में बैठे और सीपीटी कैसे झटके देती, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गई अभी। तुम क्या करते हो अभी मॉड्यूल 10-10 बार सॉल्व करोगे, अब 10-10 बार सॉल्व करोगे तो मॉड्यूल के क्वेश्चन अभी ऐसा पिक्चर जैसे बैठ जाते हैं आपके इसमें दिमाग में कि ये मैंने देखा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। बच्चा कैसे सॉल्व करता है, क्वेश्चन देखा क्या आंसर, क्वेश्चन देखा क्या आंसर, मतलब वो सॉल्व करता ही नहीं टेस्ट सीरीज की, ये बात बता रहा हूं मैं आपको जेन्युइनली। अब इस बार तो मेरे लिए चैलेंज हो गया कि क्वेश्चन लाऊं कहां से आपके लिए, इस बार मैंने कुछ क्वेश्चन फाइनल टेस्ट के लिए सेपरेटली निकाल के रखे। बच्चा क्या कर रहा, क्वेश्चन देखा क्या आंसर, पता है उसको कि यही आंसर है, सॉल्व नहीं करता वो बच्चा। एग्जाम में भी सेम होता है, बच्चा क्या कर रहा है, क्वेश्चन देखा अरे क्लिक आंसर, और फिर मेरे को आकर बोलते सर पेपर ले सोपा होता है, 10 क्वेश्चन सर मॉड्यूल में से ही आए। अरे पोपटे आप पढ़ लेता है एक बार बराबर से तो थोड़ी बहुत वर्डिंग इधर उधर हुई है, और अगर तुमको चाहिए तो मैं कल प्रूफ दूंगा आपको कि पिछली मॉड्यूल में वो क्वेश्चन अलग था और नेक्स्ट मॉड्यूल में वही क्वेश्चन अलग था। आई एम नॉट सेइंग यू लाइ, इट इज फैक्ट, और उसकी वजह से आंसर चेंज होता है। कमीशन के क्वेश्चन के लिए मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, भले ही आपको एग्जाम में ऐसा लगे, भले ही आपको एग्जाम में ऐसा लगे कि ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है या सर के नोट्स का है और वही के वही ऑप्शन दिख रहे हैं, प्लीज डू नॉट टिक मार्क द आंसर, एक बार कैलकुलेट करके ही लिखना। गिव मोर वेटेज ऑन कैलकुलेशन रादर देन टिक मार्किंग द आंसर, ये मिस्टेक मेजर बच्चे करते हैं, मत करो ये मिस्टेक, क्लियर? क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सी वर्डिंग इधर उधर हो गई है। हो हाउ, so after that let us go ahead and understand the next part. We are going to now learn how to solve a consignment problem, how to calculate profit or loss on consignment, how to calculate the amount due to the consigner and how to do the accounting in the books of consigning. 3-4 part ek saath dekhenge. Kya baat hai, Aishwarya Rai se bhari karta hai tu to, tu hi na like ha, अरे पोपटिया पीछे क्या देख रहा है तू ही तो, कैसे कैसे काम करते हो यार इधर। चल कंसाइनमेंट कौन सा अकाउंट है, आई लव यू। कंसाइनमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, बिल्कुल सही कहते हो आप। कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। शोल्डर लूज छोड़ो पहले, शोल्डर लूज एकदम लूज, एकदम लूज, हाँ शोल्डर लूज छोड़ो, लूज छोड़ो एकदम, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, हाँ एकदम अच्छे से स्माइल दो, सीमा हंस दिया अगर कभी कभी, राइट बेटा। कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इस अकाउंट में जो भी खर्चा करोगे डेबिट कर दो कंसाइनमेंट के लिए, बाइको करता के लिए तो इकड़े नहीं, किसके लिए खर्चा किया तो
कंसाइनमेंट के लिए जो भी खर्चा होगा वो कंसाइनमेंट अकाउंट के लिए डेबिट होगा. एम आई कम्युनिकेटिंग? सो जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो मैं इधर लिखूंगा. अब नलायक को आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज एक्सपेंस. एक्सपेंसेस सारे कंसाइनमेंट से रिलेटेड, इधर डेबिट. एंड व्हाट एवर इनकम यू आर गोइंग टू क्रेडिट टू द कंसाइनमेंट अकाउंट. सो इनकम मैं इधर क्रेडिट करूंगा. एग्रीड? तो अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आया, जैसे मान लो डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आया, तो मतलब इनकम एक्स्ट्रा हो गई तभी तो डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आएगा ना. तो मतलब ये क्या आएगा, इधर प्रॉफिट. अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आया इसका मतलब क्या हो गया, एक्सपेंस ज्यादा हो गया, इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, लॉस. ये सिंपल ट्रिक है. नन्हे मुन्ने बच्चों ध्यान में रहे, कुछ चीजों की एंट्री कंसाइनमेंट से जुड़े हुए होने के बावजूद भी कंसाइनमेंट अकाउंट में एंट्री नहीं आती. कंसाइनमेंट अकाउंट की बात करो. सर क्यों नहीं आती? बिकॉज माय डियर फ्रेंड दे आर नॉट एक्सपेंस और दे आर नॉट इनकम. इन द कंसाइनमेंट अकाउंट यू शुड अंडरस्टैंड दैट ओनली नॉमिनल अकाउंट विल बी देयर और देयर वुड बी स्टॉक. और स्टॉक लिखने के पीछे मेरी मजबूरी है मैचिंग कंसेप्ट. स्टॉक नॉमिनल अकाउंट नहीं, मुझे पता है वो रियल अकाउंट है, मगर फिर भी मैं स्टॉक को कंसाइनमेंट के क्रेडिट में लिखूंगा क्योंकि वो मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करता है. मगर अगर मान लो आपको कुछ पैसा कंसाइनी से मिला है, एग्रीड, मान लो आपने अगर कंसाइनी को कोई पैसा दिया है, एक एग्जांपल बोल रहा हूं बेटा, उन चीजों की एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आती बिकॉज दे आर नॉट रिलेटेड टू कंसाइनमेंट. कंसाइनमेंट में सिर्फ एक्सपेंस और इनकम आती है. जो एक्सपेंस और इनकम नहीं रहा, भले कंसाइनमेंट का कुछ रेफरेंस है, बट स्टिल इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट. इज दैट ओके? सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी देयर ऑन पेज नंबर, और वहां पर मैंने एक फॉर्मेट बना कर दिया आपको, पेज नंबर 9.4. आई एम देयर ऑन पेज नंबर 9.4 एंड कम एट द बॉटम पार्ट. बॉटम पार्ट पर आ जाओ. वहां पर मैंने प्रोफोर्मा बनाया है. किसका बेटा जी? कंसाइनमेंट अकाउंट का एक प्रोफोर्मा बनाया हुआ है. एग्रीड? सो बेटा चलो आप मेरे साथ बनाओ कंसाइनमेंट अकाउंट का प्रोफोर्मा. कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट का प्रोफोर्मा बनाओ. रेडी? जब हम माल भेजेंगे, when I am going to send goods to consignment, my first entry would be to goods sent on consignment. Goods sent on consignment. Consignee के account में कोई effect नहीं जाता क्योंकि consignee कोई liability अभी तक नहीं उठा रहा. मैं बात कर रहा हूं, ऐसे बात को समझते जाइए. When I send goods sent on consignment, the entry is consignment account debit to goods sent on consignment and hence consignment account is debited. There will not be any effect on consignee account. Clear? Consignee की liability तभी आती है जब consignee माल बेचता है. तब तक के लिए consignee पर कोई भी liability नहीं है because we are the owner of the goods. Consignee is not the owner of goods. क्योंकि ownership still lies with the principal, ना, owner, right? Next, माल बेचते वक्त आप क्या करते हो? सीक्वेंस में जाओ. माल बेचते वक्त आप क्या करोगे? यू विल डू सम एक्सपेंसेस. याद है ना, वो गाड़ी निकली, गाड़ी में लोडिंग अनलोडिंग, इंश्योरेंस, फिर गाड़ी निकल के जा रही, चिक चिक. हाँ, चलो बताओ फिर उधर क्या आएगा. टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. अंडरलाइन कर मैं इधर लिख देता हूं, कंसाइनर के एक्सपेंसेस. कंसाइनर के एक्सपेंसेस, बोलो रे. हाँ, चलो सभी के हाथ ऐसे लो, कसम खाओ. मैं जो अगली बात बोल रहा हूं, कसम खाओ पूरी क्लास. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस ऐसे टाइम पास में कर लेने का. इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर. तुमको कसम खानी होगी कि कंसाइनी के रेकरिंग हो या नॉन रेकरिंग एक्सपेंस हो, रेकरिंग हो या नॉन रेकरिंग हो, कंसाइनमेंट अकाउंट में आते हैं. हाँ, स्टॉक के वैल्यूएशन में दोनों नहीं आते. समझे कि नहीं? फर्क है. क्या फर्क है देखो, सुनो. स्टॉक के वैल्यूएशन में
कंसाइनी के सारे एक्सपेंसेस नहीं आते, ओनली टिल द टाइम द गुड्स रीच द गोडाउन उतने ही खर्चे स्टॉक के वैल्यूएशन में आते, क्योंकि वहां पे S2 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, है ना अम्मा, गुर गुर कर मत देख, इजी एकदम। मगर जब मैं कंसाइनमेंट अकाउंट की बात कर रहा हूं, अगर डेपो पर कंसाइनी कोई भी खर्चा कर रहा है, वॉचमैन को बिठाया, लाइटिंग लगाया, रेंट लगाया, वो बोलेगा भाई साहब माल तेरा है, तेरे लिए बेच रहा हूं, सारा खर्चा तू देगा मुझे, हाँ या नहीं? मगर बेटा स्टॉक के वैल्यूएशन के वक्त कंसाइनी के सारे एक्सपेंसेस नहीं आते, सिर्फ गोडाउन में पहुंचाने तक के आते, वो वैल्यूएशन की बात हुई। मगर कुछ बच्चा क्या होता है, ऐसा खतरनाक सोचता है ना, दिमाग लगाता ही नहीं, अबे स्टॉक के वैल्यूएशन में झंडू बाम S2 लगता है, कंसाइनमेंट अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में कंसाइनर का हो या कंसाइनी का एक्सपेंस हो, दोनों ही डेबिट होंगे, whether it is recurring, non-recurring, जो कोई भी खर्चा है। तो चलो वो कल वाला पिक्चर मेरे पास नहीं है अभी, वो पिक्चर एक बार निकालता हूं, सुनिए अम्मा प्लीज यार, ये कौन है, कौन है, पप्पू, पप्पू ने माल निकाला और डाला किसके अंदर, ट्रक के अंदर, राइट, और ट्रक के अंदर माल निकालने के बाद में इधर क्या हुआ, लोडिंग अनलोडिंग, याद आ रहा है? फिर इसके बाद में यहां पर आया कंसाइनी के पास, कंसाइनी ने माल को लोडिंग अनलोडिंग कराया, फिर यहां से कोई एक छोटे से ट्रक में डालकर वापस लेकर गया, कहां पर, गोडाउन में, ये इधर गोडाउन, गोडाउन के अंदर ये यहां पर कौन है, वॉचमैन, क्या नाम है, पोपट वॉचमैन, और यहां पर लाइटिंग लगाई हुई है, यहां पर बाकी का एक्सपेंसेस, और ये कंसाइनी का नाम क्या है, तन्मय, सब तो याद है। अब नलायक को वैल्यूएशन के वक्त मैंने बताया था कि गोडाउन में माल पहुंचाने तक का ही खर्चा लेना है किसका, कंसाइनी का, मैं खुद बोल रहा हूं, मैंने बोला था स्टॉक वैल्यूएशन के वक्त, मैं अभी खुद ही बोल रहा हूं कि जब कंसाइनमेंट अकाउंट में लेकर जाओगे तब कोई भेदभाव नहीं करना, कंसाइनी के एक्सपेंसेस में सारे ले लेना, बोलो हाँ, सारे। अब इधर वॉचमैन की सैलरी लोगे कि नहीं लोगे, लाइटिंग है लोगे कि नहीं लोगे, गोडाउन रेंट लोगे कि नहीं लोगे, कहां पर लोगे ये तो बताओ, कंसाइनमेंट में या स्टॉक वैल्यूएशन में, कंसाइनमेंट अकाउंट में लोगे, से यस। अब एग्जामिनर को बहुत क्लियरली पता है कि तुम्हारा ये वीक पॉइंट है, वो इधर ही लोचा करता है, तुम अगर इस पॉइंट को अगर एकदम स्मूथली हैंडल कर लोगे तो बस खत्म, स्टॉक के वैल्यूएशन में पूरा एक्सपेंडिचर नहीं आता, मगर कंसाइनमेंट में अकाउंट में पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर आता है। तो चलिए देरी किस बात की, पूरा लिखते हैं, टू कंसाइनी अकाउंट अंडरलाइन करके पहले लिखता है, पहले लोडिंग अनलोडिंग, प्लस कोई ट्रांसपोर्ट रहा तो, प्लस कोई इंश्योरेंस रहा तो, अरे कंसाइनी इधर रह गया, प्लस कोई इंश्योरेंस रहा तो, प्लस रेंट रहा तो, हाँ नहीं, प्लस वॉचमैन रहा तो, पोपट रहा तो, प्लस कमीशन भी इधर डेबिट होता है, बोलो ना, हाँ, ए सांबा सही है, सांबा बोल रहा, ठीक है। अब इसका सेकेंड पोस्टिंग इफेक्ट कहां पे जाता है, देखो पोस्टिंग कहां पे गई है, कंसाइनी अकाउंट को पोस्टिंग गई है बेटा, सही है, टू लिखा है मैंने और उसको अंडरलाइन कर सारे पॉइंट्स लिखे, तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, कंसाइनी अकाउंट के क्रेडिट साइड में, सो एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय कंसाइनी वुड बी डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, वेदर इट इज रिकरिंग नॉन रिकरिंग, वेदर इट इज आफ्टर द गुड्स हैव रीच्ड द गोडाउन, ऑल द एक्सपेंडिचर विल बी टेकन ऑफ कंसाइनी इन कंसाइनमेंट अकाउंट एंड द सेकेंड इफेक्ट विल गो वेयर, कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट साइड, आई विल राइट डाउन बाय, ये कंसाइनी अकाउंट इधर ना लाइको, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, एग्रीड, जनता अब हमको क्या करना है, कंसाइनी को बोलना है ना लाइक खर्चा तो कर दिया, अभी माल कौन बेचेगा, तो कंसाइनी क्या करता है, माल बेचता है तो एंट्री क्या होती है पता है क्या, हम बोलेंगे हम किसको जानते हैं, हम कस्टमर को जानते हैं कि हम कंसाइनी को जानते हैं, कंसाइनी हमारे बुक्स में एंट्री सिंपल है,
कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, पूरी क्लास बोलेगी क्या? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, हेलो ये मैं इधर लिखूंगा बाय कंसाइनी अकाउंट है, अंडरलाइन कर लिख दूंगा कैश सेल्स, अंडरलाइन करके लिख दूंगा क्रेडिट सेल्स। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर कैश सेल्स हुआ तो कैश तो तुरंत मिल जाएगी ना, अरे नलायक बच्चे, पीरियोडिकली कंसाइनी कैश भेजता है, मतलब अभी कैश में माल बेचा और अभी का अभी पैसा भेजेगा, ऐसा नहीं होता। औरंगाबाद में है ना वो, वो वहां पर माल बेचते रहेगा, माल बेचने के बाद में उसके पास कैश आएगी, कैश आने के बाद में वो अपने पास भेजेगा एक महीने में एक बार। इसीलिए हम कैश सेल भी हुआ तो हम पैसा पहले किसको ड्यू बनाते हैं, कंसाइनी के नाम से, और फिर कंसाइनी हमको एक साथ पैसा भेजता है। समझ में आई बात ध्यान में? सो बेटा मुझे बताओ कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो, हमारी एंट्री क्या होती है? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट की इनकम है और पैसा किससे रिकवर करना है, कंसाइनी से। चलो कोई बात नहीं, अब इसका सेकंड इफेक्ट बता दो बेटा जी कहां पे आएगा, कंसाइनी अकाउंट के डेबिट साइड में टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये सेल की बात है। एग्रीड? अच्छा फिर इधर ऊपर और क्या लिखेंगे बेटा जी हम, बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, बाय व्हाट स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, इसका वैल्यूएशन कैसे करते पता है क्या? अरे कल आया तो था कल वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, इसका वैल्यूएशन कैसे करता पता है आपको, यूनिट अमाउंट, देयर इज क्वांटिटी एंड अमाउंट, उसके बेसिस पर आपका कैलकुलेशन होगा। अच्छा फिर क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट आया तो कहां पर लिख देंगे, इधर टू जीपीएल जनरल पी एंड एल अकाउंट, और अगर लॉस आया तो क्या लिखेंगे, बाय जीपीएल जनरल पी एंड एल अकाउंट, लोडिंग के एडजस्टमेंट बताऊंगा थोड़ी सी देर में, जनरल पी एंड एल अकाउंट। एम आई कम्युनिकेटिंग? यस। यो कंसाइनी अकाउंट का अब हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा, तो बैलेंसिंग फिगर वो क्या देगा, अपने को कैश देगा, रोकड़ा हो जाएगा, टू कैश अकाउंट, इधर आएगा, इधर आएगा कि क्रेडिट में आएगा, मुझे बताओ कौन सी साइड में आएगा, सेल ज्यादा होगा कि एक्सपेंस ज्यादा होंगे उसके, सेल ज्यादा होगा कि एक्सपेंस ज्यादा होंगे, सेल तो डेबिट में आएगा कि बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट में, तो क्या लिखेंगे बेटा, बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। समझे कि नहीं? मुझे पता है इतनी सब स्टोरी सुनाने के बाद में ना तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे इसमें शॉर्टकट लास्ट में देना ही पड़ता है, तो लास्ट में मुद्दे की बात पर आते हैं, शॉर्टकट की बात करते हैं। हाँ हाँ डार्लिंग बोल, क्या बोल रहे डार्लिंग, किसने कंसाइन इन एडवांस दिया, तो दो मिनट में करा दो, शांति रखेगा थोड़ी देर। हाँ चलो रेडी हो क्या, शॉर्टकट चाहिए? एग्जाम में तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट, किसकी याद आएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट की याद आएगी, उसका शॉर्टकट मैं दे दूंगा। दूसरा आपको पूछेंगे अमाउंट ड्यू और अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कंसाइनी, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कंसाइनी और अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कंसाइनी और अमाउंट रिसीव फ्रॉम कंसाइनी, तब किसकी याद आएगी, कंसाइनी की, दिमाग में एकदम क्लियर कर लेना कि कंसाइनी अकाउंट बनता कैसे। और तीसरा क्वेश्चन आता है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, समझ में आई? चौथा और एक क्वेश्चन आ सकता है कैलकुलेट द कमीशन, कैलकुलेट व्हाट, कमीशन, कमीशन का आज मैंने आपको बहुत सारी प्रॉब्लम कराई, उसमें आप क्या निकाल सकते हो, कमीशन। तो अपन एक काम करते हैं, आज के लिए अभी के लिए मैं आपको सिर्फ तीन टाइप की चीजें समझाता हूं शॉर्टकट में, मतलब कंसाइनमेंट टॉपिक को इस तरीके से तोड़ना। क्या देखो, एक क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि कंसाइनमेंट अकाउंट में सरकार मुझे प्रॉफिट निकाल कर दो, सरकार मुझे प्रॉफिट निकाल कर दो, हेलो प्रॉफिट का एक ये पार्ट, प्रॉफिट और लॉस समझ रहे हो ना, सरकार मुझे अमाउंट ड्यू बताओ, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कंसाइनी मतलब कंसाइनी, कितना पैसा मुझे उससे मिलना है या कितनी कैश मुझे मिली, निकाल कर बताओ, वहां से निकालेंगे। और एक कौन सा बेटा, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ऐसे और भी बहुत सारे कंसेप्ट हो सकते हैं फिर इसमें, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के लिए मैं आपको बताऊंगा सिंपल सा फॉर्मूला, यूनिट और रुपीज,
अग्रीड, यूनिट और अमाउंट। अगर आपने एक काम कर लिया तो समझ जाओ जीत आपकी पक्की है। हर एक चीज डिवीजन का खेल है। डिवीजन मतलब आपके पास अगर एकदम कॉम्प्लेक्स कोई सब्जेक्ट है, कोई कॉम्प्लेक्स काम है, अगर आप उसको डिवाइड करके करो तो समझ जाओ जीत आपकी है। आपके पास लिमिटेड टाइम है। बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि टाइम को डिवाइड कैसे करना, कौन से टास्क के लिए, इसलिए आप जो रिक्वायर्ड टास्क है वो कर नहीं पाते हो। अगर आप ये कर पाए कि कंसाइनमेंट टॉपिक में जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस के बेसिस पर वो फिगर कैसे निकलता है, अभी एग्जाम में जाने के पहले क्लियर होकर जाओ तो समझ जाओ आपकी आधी जीत इधर पक्की है। तुम एग्जाम हॉल में बैठकर सोचोगे कि इसका आंसर कैसे आएगा तो समझ जाओ फंस गए। सो व्हेन यू गो टू द एग्जाम हॉल यू शुड बी क्लियर तीन टाइप के क्वेश्चन। अब तीन टाइप के क्वेश्चन में एक और चीज क्लियर कि स्टॉक के वैल्यूएशन का कंसाइनी के अकाउंट पर कोई इंपैक्ट नहीं आता। ये क्लियर होना चाहिए इधर ही। क्लियर हो रहा हूं मैं, राइट? स्टॉक का जो वैल्यूएशन करते हैं ना, इसका कोई इंपैक्ट नहीं है इसके साथ, नो इंपैक्ट। इसका अलग ही क्वेश्चन आता है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, मगर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का इंपैक्ट इधर आता है पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि वहां पर स्टॉक निकालना पड़ता है। तो जब अगर मैं आपको बोलूं प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट निकाल कर दिखाओ तो आपको क्लियरली याद आना चाहिए इधर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, फिर एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। आपके लिए जानबूझकर लिखूंगा बोथ रेकरिंग एज वेल एज नॉन रेकरिंग, आपके लिए जानबूझकर लिख रहा हूं, एग्रीड? और इधर क्या आएगा बाय कंसाइनी। सर इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा बेटा सेल्स, बोलो ना। हाँ, और इधर क्या आएगा बेटा? बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कहां पे? ये जो सिखाया है उसके हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। और आपको क्या मिलेगा? एनपी या लॉस। अब देखो एक चीज तो तय है, ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं हो सकता, दिस क्वेश्चन हैज टू बी इजी, क्योंकि एक मार्क के लिए पूछेंगे। एम आई कम्युनिकेटिंग? सो अगर बेटा क्वेश्चन एक मार्क के लिए आ रहा है और इजी अगर रहेगा तो बेटा सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखना कि फिगर कौन से आते प्रॉफिट या लॉस निकालते हो वो तुम्हारे दिमाग में फ्रीज चाहिए। कंसाइनमेंट बोला कि प्रॉफिट निकालना है तो और कुछ नहीं आ सकता, पहला गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी, वेदर रेकरिंग और नॉन रेकरिंग, क्रेडिट साइड में सेल बाय कंसाइनी, वेदर क्रेडिट और कैश, क्लोजिंग स्टॉक, यू विल गेट द प्रॉफिट। एम आई कम्युनिकेटिंग? अब इसमें एक हाथ झोल हो सकता है, कौन सा? बैड डेट्स का, कर लेंगे। एक हाथ झोल और हो सकता है कमीशन का, कर लेंगे, नॉट अ बिग डील। वो कल तक मैं बता दूंगा जब मैं आपको बैड डेट्स की अकाउंटिंग दिखाऊंगा कंसाइनी के बुक्स में, एग्रीड? मगर लास्ट में रूल तो इतना ही सिंपल है। चलो मुझे अभी पूरी क्लास बताएगी प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे। कंसाइनमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट? पूरी क्लास नॉमिनल अकाउंट। डेबिट साइड में क्या आता है? एक्सपेंस। क्रेडिट साइड में क्या आता है? इनकम। मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से और एक कौन सा आइटम आएगा? ठीक है, ये सुबह सुबह क्या आएगा? स्टॉक। तो बेटा मुझे बताओ पहला डेबिट साइड में आइटम क्या है? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, उसके नीचे क्या है? एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, उसके नीचे क्या है? एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, क्या वर्ड है? रेकरिंग एज वेल एज नॉन रेकरिंग। हाय रब्बा, मगर वो तो नहीं लेते ना नॉन रेकरिंग। अच्छा, प्रॉफिट निकालने के लिए लेते, तो फिर वो कहां नहीं लेते? स्टॉक के वक्त नहीं लेते, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के वक्त, एग्रीड? और क्रेडिट सेल में, क्रेडिट साइड में क्या आता है? सेल। सेल बाय होम, कंसाइनी, वेदर कैश और क्रेडिट, और वहां पर स्टॉक लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट। बोलो हाँ। अब बात आई अमाउंट ड्यू फ्रॉम कंसाइनी। सुनिए ना, कंसाइनी अकाउंट है पर्सनल अकाउंट है, ऐसे याद करो। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? पर्सनल अकाउंट। अगर उससे पैसा अन रहा तो क्या करूंगा, डेबिट या क्रेडिट? डेटर्स को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। मतलब अगर पैसा रिसीवेबल रहा सो आई डेबिट इट। इफ मनी इज रिसीवेबल, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई विल डेबिट इट। इफ मनी इज पेबल, आई विल क्रेडिट इट। मुझे बताओ कमीशन रिसीवेबल होता है कि पेबल होता है? उसको आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, उसने किए हुए खर्चे रिसीवेबल है कि पेबल? गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा देखो, मैं इधर लिख रहा हूं कमीशन है, मैं उधर लिख रहा हूं क्या चीज, आपका एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी, सही में ना? और बेटा इधर डेबिट साइड में क्या लिखूंगा? जो उसने सेल्स किया, सेल्स किया तो मेरा पैसा है ना वो, आई एम द ओनर, आई एम सपोज टू रिसीव, आई एम द कंसाइनर,
तो उसने सेल किया तो रिसीवेबल हुआ मेरा सेल्स। अगर उसने पैसा दे दिया, तुम्हारे पास कैश आई कि गई, आई कि गई, बताओ एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। तुम्हारा क्वेश्चन था एडवांस मिला तो, राइट? एडवांस मिलने की एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, तो इधर आ जाएगा एडवांस। एग्रीड। फिर क्या आ जाएगा आपके पास? जो सेटलमेंट की अमाउंट है वो मिल जाएगी। तुमने इस अकाउंट में एक चीज ऑब्जर्व की क्या? ऑब्जर्व कर पा रहे हो? अब देखो क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? इस कंसाइनी अकाउंट में एक चीज ऑब्जर्व की क्या? कि कंसाइनी के एक्सपेंसेस, कंसाइनी का कमीशन, कंसाइनी से मिली हुई अमाउंट, ये क्रेडिट साइड में आती है और डेबिट साइड में एक ही अमाउंट आती है, कौन सी? सेल्स। अब ये दिमाग में रख सकते हो आप, आपका आंसर आएगा। सो बताओ डेबिट साइड में क्या आएगा? सेल। क्रेडिट साइड में क्या आएगा? एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी, और क्या आएगा? कमीशन, और क्या आएगा? एडवांस। ये तीन चीजें क्रेडिट साइड में आती है और फिर आपको क्या मिल जाएगा? बैलेंसिंग फिगर, जो सेटलमेंट की अमाउंट है। बैलेंसिंग फिगर 99% टाइम्स, 1% आपके लिए छोड़ रहा हूं, 99% टाइम्स इधर ही आएगा। सो मुकुल क्रेडिट में तो इतने सारे आइटम है, उधर क्यों आएगा? बोला ना उधर आएगा तो उधर आएगा। 99% टाइम्स यू आर सपोज टू रिसीव मनी फ्रॉम कंसाइनी, सो क्रेडिट में आएगा। एग्रीड। तो अगर क्रेडिट में आएगा, एग्जाम में अगर डेबिट में आने लग जाए बैलेंसिंग फिगर, तो मुझे याद कर लेना, ब्लैक एंड व्हाइट में मैं दिखूंगा ऐसा आपको कि बोल रहा हूं डेबिट में आया, सुन गलत हो रहा है, डेबिट में आया, सुन गलत हो रहा है, रुक जाना और फिर क्या कर देना, वापिस एक बार चेक करके देख लेना कि बैलेंसिंग फिगर कहाँ आना चाहिए, क्रेडिट में। मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे याद ही नहीं आ रहा। मुझे बताओ कितने टाइप के क्वेश्चन? तीन। पहला वाला कौन सा? प्रॉफिट निकालने का। दूसरा वाला कौन सा? कंसाइनी। और तीसरा वाला कौन सा? वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में फॉर्मूला क्या है? यूनिट और अमाउंट। भूल जाओ कल सिखाया था। दूसरा वाला इधर बताओ, ये कौन सा? प्रॉफिट और लॉस निकालते हो। कंसाइनमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? डेबिट साइड में क्या आता है? चलो चालू करो। पहला वाला कौन सा रहता है? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। दूसरा वाला कौन सा? कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। तीसरा कौन सा है? कंसाइनीज एक्सपेंसेस। कौन से? सच्ची? पक्का? हाँ, तो सभी एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में क्या आएगा? सेल। और बेटा फिर नीचे और एक आइटम आता है, क्लोजिंग स्टॉक। कौन से कंसेप्ट की वजह से? मैचिंग। और फिर क्या निकलता है? प्रॉफिट या लॉस। बात खत्म। कम डाउन टू द नेक्स्ट, कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट के कौन से साइड में एंट्री ज्यादा है? क्रेडिट साइड में। यह कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, राइट? ध्यान रहे, क्रेडिट साइड में फर्स्ट आइटम क्या आएगा? कमीशन। दूसरा कौन सा? एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। तीसरा कौन सा है? एडवांस। डेबिट साइड में कौन सा आएगा? सेल्स। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा 99% टाइम्स कौन से साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में है। वो अमाउंट सेटलमेंट की अमाउंट से, यस, लिखना है आपको वो। लिख लिया? अब जाने का टाइम हो गया ना बेटा, अब तो लिख ही लिया है ना, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हो, जिनको लिखना है लिख लो। अच्छा सुनो, डेप्रिसिएशन के चार्ट्स मुझे नहीं मिले हैं, औकात में आ जाओ, मुझे गुस्सा करने मत लगाओ, मुझे होली के बाद में बुक्स नीचे चाहिए, मतलब चाहिए। समझ में आई बात? धन में डेप्रिसिएशन के चार्ट्स चाहिए। किस दिन? हाँ तो मतलब कौन सा तारीख हुआ? सैटरडे। जो नहीं रहा सैटरडे ना, जो नहीं रहा तो फिर मैं और आप हो,